चरण दबाए दूं, यदि श्रम बिंदु आए रहे हो तो अपनी पटकासों तुम्हारी प्यार कर दूं, और यदि तुमको प्यास लगी हुई तो यह काव पत्ता में जल लाए कि मैं तुमको जल पिवाऊं। हे पतिव्रताओ, हे धर्मलताओ, आज्ञा करो, कहा सेवा करूं।
पति धर्म रता कही आय सखी ये तो व्यंग की बान चलावत है अत भागी देख रही हो ये श्याम सुंदर कहा कह रहे हैं अरे ये कह रहे हैं अरे पति बताओ अरे माँ भागाओ अरे आगे में तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है हो तुम काहे को आई हो सखी देखो कैसे पूछ रहे हैं और ये वो कोई प्रीत की रीत है पूछ पूछ के सेवा करना और सखी हम तो इनकी सेवा के बिना अतभागनी है ये हमको बड़भागनी कह के चढ़ा रहे हैं देख लो अरे चढ़ा रहे हैं बजाय के बंसी बुलाय के बन अनजान सुबन बतरावत है कहाँ सेवा करूँ मौन क्यों हो बोलो ना कहाँ सेवा करूँ तुम क्यों आई कही कही भय उपजावत है अरे पहले तो इनने अपनी बंसी बजाई की हम सब ब्रजगोपियों को यहाँ बुलाए लिए हो और अब अनजाने जैसी बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि तुम क्यों आई हो मैं तुम्हारी कहाँ सेवा करूँ पूछ पूछ के सेवा कर रहे हैं अरे तुम नहीं जानो जो पूछ के सेवा करी जाए वही ठीक हो आज्ञा तो करो किंतु गोपियों मैं देख रहा हूँ तुम सब गोपीन की बड़ी विचित्र दशा है काऊ ने लहंगा उल्टो पहन रखा है काऊ की तो एक ही आंख में काजल लग रहे हो काऊ के हाथ में झाड़ू लग रही है काऊ के हाथ में दर्पण लग रहे हो काऊ के देखो अब तो यहाँ नीचे धर दो यहाँ तेरी सांस ना रख दे नीचे ना मार रही तो। ये कहा दशा ब्रज में कहीं कोई अमंगल तो नहीं और यदि ब्रज में कोई अमंगल हुआ तो आय के गोपन ने पुकार क्यों ना करी कहा तुम सब गोपीन पे कोई विशेष भीराय के परी है तो कान्हा ब्रज में कोई अमंगल तो नहीं कोई अमंगल नहीं ब्रज में नित ही मंगल कछु हम ही नाही मेरा गोकुल ठीक है वहाँ भीड़ न गोकुल में कछु है तो फिर का कारण पर तेरी नेह की पीर सतावे हो श्याम सुंदर तुम्हारे तो वह मंगल ब्रज में नित ही मंगल हुए हैं अमंगल नहीं है परंतु श्याम सुंदर सब भाव ही तेरी हम ब्रज तज आई ये चरण रज तेरी ही भावे राज ने साज बिगाड़ दियो जब काज पड़ो अड़ जावे आपके वहां ब्रज में कोई अमंगल नहीं है अच्छा ही मंगल हो है परंतु हमको ही वहाँ कछु अच्छो नहीं लगे है हमने तो एक आपके स्नेह की फिर दिन रात सताती रहे हैं हम तो वहाँ ब्रज मंडल को छोड़ के आपकी शरण में आई शरण में आई हो कहा कह रही हो मेरे तो कछु समझ में नहीं आ रहे हो गोपियों देखो तुम जैसे आई हो ना जहाँ मार्ग सो आई हो वहाँ ही मार्ग सो प्रस्थान करो क्योंकि रजन ने सा घोर रूपा घोर सत्य निषेविता प्रत्यात रजन ने हम स्तेम स्त्री सुमदिमा गोपियों तुम विचार करती होगी कि हम तो दिन रात यही वन में आए के घूमे हैं किंतु तुम भूल में हो तुम रात्रि में नहीं दिन में आओ हो या समय गगन मंडल पे जो सुशोभित या गगन मंडल को करे ये है चंद्रदेव ये दिन के सूर्य देव नहीं ये मनोहारी अवश्य है इनको दर्शन करके सच बात तो ये कि मोह को आनंद है रहे हो किंतु तुम सब
तुमने आनंद ले लियो तो प्रस्थान करो। इनके आनंद में या वन में रहने वाले हिंसक जीव जंतु उनको मत भूलो भूलो जो तुम्हारा आहार कर जाएंगे। यहाँ सो कृपा करो, यहाँ सो पधारो। जाओ, तो वही प्रकार सो कर रहे हो कहा, जैसे कि श्याम सुंदर वन में बिरहा राग बजाए, बदकन को बुलाए के और वामे तक तक के बाण मारे हैं, वैसे ही आपने बंसी बजाए के हमको यहाँ बुला लियो। अब आप अपने व्यंग मुखसों हमें बाण मार रहे हो। श्याम सुंदर, कैसे हमको ब्रज ही पठावत, मन तो रहो चरण लपटानी, देखो सखी कैसे जीतो देह चलावत, नटकट नैन माधुरी मूरत और इनके अमृत वचन श्रवण को भावत, सूर सेन इन सर्वस लूटो, लेले मुरली नाम बुलावत। इनने पहले बंसी में सबको नाम लेके यहाँ बुला लियो, अब कह रहे हैं यहाँ तो चली जाओ। क्यों देखो गोपियों, तुम यहाँ आई, तुमने बहुत सुंदर कार्य किया और ये वृंदावन कितना सुंदर है, यहाँ की शोभा को दर्शन करो और यहाँ सो प्रस्थान करो। दर्शन में कराऊं क्योंकि मैं यह वृंदावन को माली हूँ। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेशकर रंजितम यमुना नीले जत तरु पल्लव शोभितम, यहाँ के सुंदर रक्षण को लता पतान को दर्शन करके अब आप कृपा करो और यहाँ सो चली जाओ। यदि काउ ब्रजवासी ने देख लियो तो मेरी क्या हालत होगी, तुम जानो नहीं हो, प्रस्थान करो, जाओ जाओ। हे धर्मशास्त्री जी, आप कह रहे हो यहाँ तो चले जाओ, अरे आप हमको उपदेश कर रहे हो, अरे उपदेश तो आप जब करते, जब हम आपको आसन बिछाती, आपको बिठाती, आपसे कोई प्रश्न करती, आप तो हमसे कह रहे हो चले जाओ, अरे हम तो सब तज के आपकी शरण में आ गई, अब हम नहीं जाएंगे। आसन विधि विध मार्ग सुन, मेरी बात छोड़ो, किंतु यह विधि विध मार्ग सुनो, यह कपट तजीपति करो सेवा, यही मन बाकू। मैं तुमको बताऊं, छल कपट को त्याग के तुमको निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा करनी चाहिए। कंत मानो भव तरोगे, यदि तुम अपने पति की सेवा करोगी तो मैं तुमसे सत्य कह रही हूँ, या भव सागर को सहज में ही पार कर जाओगे। धर्म इति धर्म विदात्मयोगम् अष्टेव मे तदुपदेश पदे त्वयिषे प्रेष्ठो भवास्तनुहृतां किल वल्लभराम। हम अपने पति पुत्रन को छोड़ के, परिवारी जनन को छोड़ के आपकी शरण में आई हैं भगवान, और आप कह रहे हो कि तुम अपने अपने घर जाके अपने अपने पति पुत्रन की सेवा करो। हे भगवान, आपने हमको धर्म को उपदेश करो है, हे भगवान ये धर्म को उपदेश तो आप वाकू सुनाओ जो याकू समझते हो। हम तो आपके चरण चापे के ताई आपकी शरण में आई हैं, और आपने अपने मुख से ये कहो है सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरणम व्रजे, जो आपकी शरण में आ जाए आप वाकू नहीं तजो। हे भगवान, जो जन आपकी शरण में आ जाए, जब आप वाकू नहीं तजो तो हम ब्रज गोपी तो आपकी शरण में आई हैं, और भगवान ये तो आपकी प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामि हम, जो जीव आपकी जा प्रकार भजना करे आप वाको समस्त योग क्षेम वही प्रकार करो। हे भगवान, जो
जीव जो पुरुष अपनी अपनी स्त्री को छोड़ के योगी सन्यासी बन जाए, जब उनके ताई कोई पाप नहीं लगे तो हम ब्रजगोपिन को क्यों पाप लगे गो। धन्य चित्तम सुखे न भवता परितम जीदृहेषु यन्निर्वसत्वत् करावपु गृह्यकृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादयोनो नत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणाम। अपने घर को लौट के नहीं जाएंगी, क्यों? हम आपके चरण सेवा के ताई आए हैं और आपकी यह बंसी ने हमको बुलायो है, हम यहीं मर जाएंगी परंतु अपने घर को नहीं जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, तुमको भ्रम है कि वंशी ध्वनि को सुन के तुम यदि आई हो तो वंशी तो मैं नित्य ही बजाऊं, और मान ली यह वंशी ध्वनि से तुम आ गई हो ना तो मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम लौट जाओ। नहीं नहीं भगवान, अब हम लौट के नहीं जाएंगी। अरे गोपियों, मैं तुम्हें पति धर्म को एक सुंदर सा दृष्टांत सुनाऊं, मुझको अवश्य विश्वास है वाकु तुम सुनोगी तो सुन के तुम अपने घर को अवश्य लौट जाओगी। ध्यान पूर्वक सुनो। सुतम पतंतम प्रस्मीक्ष पावकी नबोधयामास पतिं पतिव्रता अहोत दानी व्रत भंग शंकया होता सनस चंदन पंक शीतल। नगर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहो करते, ब्राह्मण हो कर्म कांडी और नित्य प्रति यज्ञ हवन आदि कियो करते हो, और बाकी जो पत्नी ही बड़ी पतिव्रता ही, एक दिन ब्राह्मण न जाने कहूं सो हारे थके आयो और अपनी पत्नी के पांव पे अपना सर रख के लेट गयो, इतने में ही वाकू गहरी निद्रा आ गई तो गोपियों व ब्राह्मण को एक अबोध बालक को हतो जो धीरे धीरे अग्नि कुंड के समीप चलन लगे। पतिव्रता स्त्री ने विचार किया, मेरो ये बालक की अबोध है, या को कछु ज्ञान नहीं है, यदि मैं याको नहीं पकड़ूंगी तो मेरा बालक अग्नि कुंड में गिर के भस्म में जाएगा। किंतु आने पुने विचार कियो, यदि उठ के मैं यह बालक को पकड़ूंगी तो मेरे पतिदेव जग जाएंगे और ये जग गए तो मेरा पतिव धर्म नष्ट हो जाएगा, कहा करूं? तो गोपियों, वह पतिव्रता स्त्री ने अपने हृदय में दृढ़ निश्चय कर ही लियो, चाहे मेरा बालक अग्नि कुंड में गिर के भस्म क्यों ना है जाए, किंतु मैं अपनी पति धर्म को ही पालन करूंगी। इतने में ही वह बालक अग्नि कुंड में गिर गया। अग्नि ने विचार की, उसकी बड़ी पतिव्रता है, या को यह बालक है, यदि मैं आपको जराए दूंगी ये पतिव्रता स्त्री अवश्य मुझको श्राप देगी। तो गोपियों, वह पतिव्रता स्त्री के भय के कारण वह बालक के लिए अग्नि कैसी है गई? कैसी है? हुता सनस चंदन पंक शीतल, वह अग्नि चंदन के समान शीतल हैगी और बालक हंसतो खेलतो वह अग्नि कुंड में से निकल आयो। तो गोपियों, ऐसी पति धर्म की महिमा हुए, या सो तुम लौट के चली जाओ। जाओ पंडित जी महाराज, आपने बड़ो ही सुंदर दृष्टांत सुनायो। हाँ। अब आप कहो तो एक दृष्टांत मैं हूँ आपको सुना दूँ। सुना दो पंडितानी जी, आप क्यों पीछे रहो? श्याम सुंदर, हाँ, एक नगर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहो करे है। अच्छा। जो ब्राह्मणी ही वो बड़ी ही पतिव्रता ही, तुम्हारे समान ना? हमारे समान ही। हाँ। बड़ी ही पतिव्रता ही, जब तक पति को मुख नहीं देख ले ही, अन्न की तो चले कहा जलहू ग्रहण नहीं करेगी। अरे बड़ो कठिन नियम। हाँ। फिर तो कछु दिन बाद वहाँ नगर में अकाल पड़ गयो, या में ब्राह्मणी रहे हो करे और ब्राह्मण देव रहे हो करे। तो ब्राह्मण देव बोले ब्राह्मणी सो कि ब्राह्मणी, अब मैं परदेश जा रहे हूँ, वहाँ सो कछु द्रव्य कमा लाऊं। ठीक बात। तो ब्राह्मणी बोली, आप चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी, मैं तो आपके मुख को देख के ही जीऊ हूँ, जब तक आपको मुख नहीं देख लू हूँ जलहू ग्रहण नहीं करू हूँ। वो बोले, तुम चिंता मत करो, या को मैं आपको बता जाऊं कोई उपाय। बोले, अपनी जैसी माटी की प्रतिमा में तुम्हें बनाए के दे जाऊंगा, बाकी सेवा पूजा करो करियो।
तो बोले कि ठीक है। तो ब्राह्मण देव अपने माटी की प्रतिमा बनाए के ब्राह्मणी को दे गए और परदेश चले गए। अब ब्राह्मणी जैसे पति की सेवा करे ही वही प्रकार सो नित्य ही वह माटी की प्रतिमा की सेवा पूजा करने लगी। अच्छा हाँ, कछु दिन बाद ब्राह्मण देव आए परदेशों और उनने आए के द्वार को खटखटाया। कई की जा द्वार को खोलो ब्राह्मणी, परंतु श्याम सुंदर ब्राह्मणी वही समय वह माटी की जो प्रतिमा ही वाकी सेवा पूजा कर रही। अच्छा, अब श्याम सुंदर बात ये है कि वो यदि वह माटी की प्रतिमा की सेवा पूजा छोड़े तो वह को पतिव्रत धर्म नष्ट होए और द्वार पे साचे पति ठाड़े हैं, अगर उनको द्वार नहीं खोले तो वह को पतिव्रत धर्म नष्ट होए। कहना ब्राह्मणी ये चाहो कि वो धर्म संकट में पड़े, धर्म संकट में। अब वो करे तो कहा करे, काम मैं उत्तर दूं? हाँ आप ही दे। अच्छा अच्छा, हाँ उत्तर तो दोगे। साचे पति द्वार पे ठाड़े हैं, उनको द्वार नहीं खोले तो माटी की पति की प्रतिमा की पूजा कर रही है। हाँ। तो गोपी हमें पूछिए की क्या बात है। अरे जब आपको साचो पति आ ही गयो तो माटी की प्रतिमा की पूजा करके कहा करेगी? श्याम सुंदर बड़ी धन्य है, आपको ही मुख और आपको ही न्याम है गया। हमारा मुख हमारा न्याम है हो गया और मैं पता ना चली। मैं बताऊं आपको? अच्छा आप बता दो। श्याम सुंदर, हाँ, जब तक आप हमें साचे के पति नहीं मिले हैं, जब तक हम इन माटी की प्रतिमान की सेवा पूजा कर रही हैं, अब आप हमें जब साचे के पति मिल गए हो तो हम काहे को इन माटी के देवन ने पूजे, हम तो आपकी सेवा पूजा करेंगे। ओही बिना ये और न जाने, ओही बिना ये और न जाने, विधि मर्याद लोक की लज्जा, चढ़ होते जाने हैं ना तो माने हैं, विधि की मर्यादा लोक की लज्जा कुल की कान को एक त्रणूसो घटके माने हैं, और काव की तो सामर्थ आज तक नहीं भई, किंतु इन गोपी ने तो इन मोकोनी के पहचानो कपट नाही उर राखो, सार सार धन्यवाद पुनि ही पुनि मन ही मन ये भाग। बड़ी बड़ी योगी जन मोकू नहीं पहचान पाए, किंतु इनने तो मोकू भली प्रकार सो पहचान लियो है, किंतु एक बार इनसो और कह के देखो। गोपिया बहुत समय है गया, बहुत देर रहेगी, मैं तुमसे फिर कह यहाँ से चली जाओ। अब हम कहूँ नहीं जाएंगी, पर जाएंगी ना कहा गई आपके श्री चरणन में ही मर जाएंगी, पर यहाँ ते ना जाएंगी। यहाँ मर जाओगी? अरे मर जाओगी तो मेरा कहा लेगी? सत्य कही आपने, आपको कहा लेंगी। हाँ, हाँ। परंतु हम जब मरेंगी ना, हाँ। तो यही सोच के मरेंगी कि आप हमको पति के रूप में मिलो और अंत मति सो गति, जो जैसी अंत में मति हुए है वैसी ही गति हुए है, तो हम सोच के मरेंगे कि आप ही हमें पति के रूप में मिलो, तो या जन्म में ना मिले तो आप अगले जन्म में मिलोगी, अगले जन्म में ना मिले तो बाबूते अगले जन्म में मिलोगी, काउ ना काउ जन्म में तो आप हमें पति के रूप में मिलोगे। सुनो सुनो सुनो, ये अगले पिछले जन्म में मिलो अवे मिले अब कोई भी नहीं। जैसी मृदु बल बचकन जटकन कटदा
गोपाल अनंत कोट ब्रज गोपिन के संग में महाराज लीला कर रहे हैं। यही समय मैं इनके ऊपर अपने काम बाण को प्रहार करूं और इन पे विजय प्राप्त करूं। अपराध की बात छोड़ो, यानी साहस कितना बड़ो किया। जैसे और यासों पराजय प्राप्त करके बैठ गए, ये अपने पिताई से आके युद्ध करने लगे। कोई बात नहीं, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अब मेरे मुख से निकल गए तो चलो, ये मेरा पुत्र आय के बनेगा तभी तुमको प्राप्त होगा। किंतु या की दे या रज की योग्य नहीं, यासो तो या को उठा। अत्यंत आनंद प्रदान करती भाई रास करती करती मेरे तो पाम दुख गए। एक दवा दी बहुत जोर से कछु हो तो आप खवा दो। आप प्रसाद पाए के नहीं आई? भूख लगाई है। अच्छा आ मैं व्यवस्था कर दूं। श्याम सुंदर मुकु तो जाड़ो लग रहे हो। जब जाड़ो लग रहे हो तो घर में काहे को आई हो? वन में तो मोहन बीते मिनी गोप कुमारी अचरज नाही गर्व भयो गिरिधर जुकी। श्याम सुंदर हमारे कैसे बस में है गए हैं? हम जा सेवा के लिए कहे हैं वही सेवा को करे हैं। अरे बस में है गए तो और बस में कर ले। हाँ, और बस में कर ले। रूप भरी गुण भरी भरी पुनि परम प्रेम रस क्या समय क्यों न करे अभिमान कान भगवान। अभिमान को अंकुर उत्पन्न है गयो, अब ये बढ़ तो ही जाएगा। तो अब यासु मुकु इनको छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। सखी अंदर रहते
श्याम सुंदर, श्याम सुंदर अभी तो यही हमारे पास है, कहाँ चले गए? श्याम सुंदर आप हमको छोड़ के कहाँ गए? श्याम सुंदर छोड़ के चले गए। चलो पूछे श्याम सुंदर कहाँ चले गए? चलो सखियो को जड़ को चैतन्य कछु न जानत बिरही जन। सखी कौन बतावे गो कि श्याम सुंदर कहाँ गए? बिछोड़ो करा दियो, कहाँ गए? क्यों नहीं हमारो ये अवमान नष्ट हो गए? अरे सखी ये नहीं बतावे कि आगे चल बैठे हैं अपनी बंसी को बजा में। अरे श्याम सुंदर कहाँ चले गए हमें तो कोई तो बता दे।